नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार NIOS के DL Ed की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकों का शैक्षिक मूल्यांकन में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर गिरीश, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। गिरीश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने हमारे जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है और हमारे जीवन को काफ़ी हद तक आसान भी बनाया है, तो ऐसे में आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का शैक्षिक मूल्यांकन में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो इस चर्चा पर जाने से पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का संप्रत्यय आखिर क्या है। जहाँ तक मूल्यांकन की बात है तो मूल्यांकन वर्तमान परिदृश्य में बहुत ही प्रचलित शब्द है। आए दिन हम सभी किसी न किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन जब शिक्षण अधिगम की बात की जाए या शिक्षण प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ हमारा आशय विद्यार्थियों के मूल्यांकन से होता है। तो सामान्य शब्दों में इसको परिभाषित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित सूचनाओं को पहचानना, उन्हें एकत्रित करना एवं उनकी विवेचना करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। अच्छा। अर्थात इसमें तीन प्रक्रियाएं होती है। एक तो उन्होंने क्या सीखा, जो सीखा उससे संबंधित हम सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, उसको एकत्र कर रहे हैं पहचान करके, और फिर उसकी विवेचना कर रहे हैं कि किस सीमा तक हमने जो बताना चाहा विद्यार्थी को वो किस सीमा तक सीख पाए। यही मूल्यांकन की प्रक्रिया है। बहुत अच्छा बताया आपने गिरीश जी कि किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। जी, इसे आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। हाँ, ये बहुत ही सही प्रश्न है वर्तमान परिदृश्य में कि आवश्यकता क्या है, क्यों हम मूल्यांकन करें। तो बड़ा ही सरल सा जवाब इसका सामने आता है कि अगर हम ये जानेंगे नहीं कि हमारे विद्यार्थी ने क्या सीखा तो हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम उसको दिशा देंगे। अर्थात मूल्यांकन जो है वो एक शिक्षक की सहायता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दिशा को निर्धारित करने में करता है। साथ ही साथ यह विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर को उन्नत बनाने में भी सहायता करता है, विद्यार्थियों की सहायता भी करता है शिक्षक की सहायता के साथ साथ। अतः यह मूल्यांकन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का बहुत ही आवश्यक तत्व है। अच्छी बात बताइए आपने कि मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों का लेवल ऑफ अचीवमेंट समझने में, विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं को समझने में शिक्षक की मदद करता है, इसलिए मूल्यांकन जो है शैक्षिक प्रक्रिया में आवश्यक है। आजकल अक्सर बात चल रही है मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने की, कभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है, कभी अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए आकलन की बात की जाती जी, है। जी। तो आप संक्षेप में अगर इस पर प्रकाश डालें कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिवर्तन किस प्रकार, आज की तारीख में वर्तमान समय में मूल्यांकन की प्रक्रिया में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। अब अखिलेश जी, ऐसा है कि ये जो हमारा समाज है जी, ये परिवर्तनशील है और शिक्षण प्रक्रिया समाज से संबंधित होती है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन होता है और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी होगा या हो रहा है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया का ही अंग है। अब अगर हम लोग अपने बचपन के दिनों को याद करें, अपनी स्कूलिंग को देखें अगर हम, तो हमारे मूल्यांकन का क्या तरीका था। हमें एक प्रश्न पत्र दे दिया जाता था या एक प्रश्नावली दे दी जाती थी और एक उत्तर पुस्तिका दे दी जाती थी। उन प्रश्नों के उत्तर को हम उत्तर पुस्तिका में लिखते थे और उस हमारे उत्तरों के आधार पर हमारे शिक्षक हमारा मूल्यांकन करते थे। कुछ समय बाद प्रश्नों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हो गए, जिसके विकल्प दिए गए होते थे उन विकल्पों को हमें सही का निशान लगाकर उत्तर देना होता था, जो भी हमें उन विकल्पों में से सही लगता था। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते थे, हमें सही का निशान लगा करके और उन प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। ये सारे मूल्यांकन के पारंपरिक तरीके थे
जिसमें कि हम सामान्यतः विद्यार्थियों के ज्ञान जो कक्षा में उनको पढ़ाया गया है या जो पाठ्यपुस्तक में दिया गया है की जांच करते हैं, और यह जांच इन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से संपादित होते हैं। लेकिन समय में परिवर्तन के साथ साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आया। शिक्षण के क्षेत्र में जो विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे कि NCERT, CBSE, इन लोगों ने मूल्यांकन की नई विधियां दी। इन विधियों में जो कि जटिल हैं और जटिल के साथ साथ व्यापक भी हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में सिर्फ ज्ञान के जांच की ही बात नहीं की गई, बल्कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त चिंतन के स्तर, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, सूचनाओं के विवेचन आदि से संबंधित जितने भी अनुभव विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं, इन सब को शामिल किया गया है। कहने का मतलब आपका है कि विद्यार्थी के सर्वांगीण मूल्यांकन पर आजकल ध्यान बल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। अगर इसको सरल शब्दों में कहना हो या इसको परिभाषित करना हो तो हम यह भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रवृत्ति, जो कि पहले ज्ञान की जांच की संस्कृति थी, जहां हम ज्ञान की जांच करते थे, आज विचारों की जांच की संस्कृति में परिवर्तित हो गई है। यहां पर हम विचारों के जांच की बात कर रहे हैं जी। अब जब ये परिवर्तन आया तो परिवर्तन के कारण मूल्यांकन के जो विविध उद्देश्य थे उनमें भी परिवर्तन हो गया, और इन उद्देश्यों को जानना एक शिक्षक के लिए कि परिवर्तन के बाद मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, वो एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो परिवर्तन आपने बताए जी, इसके बाद मूल्यांकन के उद्देश्यों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अब मूल्यांकन का पहला उद्देश्य वर्तमान परिवेश में, जब मूल्यांकन विचार की संस्कृति माने जाने लगी है, तो इसका पहला उद्देश्य संज्ञानात्मक दक्षता जी का मूल्यांकन करना है जी। अब संज्ञानात्मक दक्षता में हम समस्या समाधान की योग्यता, आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता, प्रश्न निर्माण की योग्यता, सूचनाओं की खोज एवं उनके आधार पर निर्णयन करने की योग्यता, अवलोकन करना, अनुसंधान करना, आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण एवं विवेचन आदि के मूल्यांकन की बात करते हैं। ये पहला उद्देश्य है जी। दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों के अति संज्ञानात्मक दक्षता है। अति संज्ञानात्मक क्या थी कि मेटा कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव से ऊपर की बात हो जाती है। मेटा कॉग्निशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेटा कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी संज्ञानात्मक, जो उसके ज्ञान में है, जो व्यक्ति की मानसिक संरचना में है। और मेटा कॉग्निशन कॉग्निशन से ऊपर का स्तर होता है, जहां व्यक्ति आत्म सिद्ध हो जाता है। हाँ। आत्म चिंतन करने की प्रक्रिया में आ जाता है। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि किसी ने बड़े ब्यूटीफुली डिफाइन किया है जी, मेटाकॉग्निशन इज कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। यस, कॉग्निशन अबाउट योर ओन कॉग्निशन। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कॉग्निशन के लिए कॉग्निशन जो है वही मेटाकॉग्निशन है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया का दूसरा उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों के अति संज्ञानात्मक दक्षता, जैसे कि आत्मचिंतन एवं आत्म मूल्यांकन का मूल्यांकन करना, कि विद्यार्थी स्वयं के विषय में क्या सोचता है, वह अपना मूल्यांकन कैसे करता है। तीसरा उद्देश्य हो जाता है विद्यार्थियों के सामाजिक कौशल का मूल्यांकन करना, क्योंकि विद्यार्थी भी एक सामाजिक प्राणी है, वह भी इस समाज का ही हिस्सा है। तो उसके संज्ञानात्मक और अति संज्ञानात्मक पक्षों के मूल्यांकन के साथ साथ उसके सामाजिक कौशल का मूल्यांकन भी आवश्यक है जी। जैसे कि परिचर्चा एवं बातचीत का नेतृत्व करना, विद्यार्थी कितना इसमें पार्टिसिपेट करता है, कितना सहभाग करता है, परिचर्चा की शुरुआत करता है, कैसे उसको आगे बढ़ाता है, अपनी बात कैसे वो अन्य लोगों को समझाता है, कैसे दूसरों का सहयोग करता है, समूह में कार्य करने की योग्यता, उसके आंतरिक जैसे प्रत्यक्षण, किसी वस्तु को वो कैसे देखता है, कैसे समझता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, वो कितना मोटिवेटेड है, उत्तरदायित्व बोध, कितना उसमें अपने कर्तव्य, समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, एक व्यक्ति के रूप में स्वयं के प्रति और उसके परिवार के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करना इस तीसरे उद्देश्य के अंतर समाहित होता है।
इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जब मूल्यांकन प्रक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्यों में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं, और इन व्यापक परिवर्तनों ने मूल्यांकन के लिए जो उपकरण प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन उपकरणों के स्वरूप में भी परिवर्तन की मांग की कि इन पारंपरिक उपकरणों से इस प्रकार के मूल्यांकन संभव नहीं है। तो उसके लिए इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मूल्यांकन प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रयोग की शुरुआत हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि मूल्यांकन में जब परिवर्तन हुए, मूल्यांकन के उद्देश्यों में जब परिवर्तन हुए, तो तदनुसार मूल्यांकन के उपकरणों में भी और उसके मॉडल्स में भी हमें परिवर्तन करना है। जी, तो आज के इस परिवर्तित समय में जब शिक्षा के हर पहलू में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग हो रहा है, जी जी, ऐसे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन वास्तव में है क्या? अब देखिए, सामान्यतः तो वर्तमान में हमें दो प्रकार के मूल्यांकन देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो कई प्रकार हैं इसके, जैसे संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लेकिन इन सब पर हमें चर्चा नहीं करनी है क्योंकि हमारा विषय सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का है। तो इस आधार पर मूल्यांकन के दो प्रकार हमें देखने को या दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रकार के बारे में चर्चा करने से पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन क्या है। अखिलेश जी, मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ। तो जब प्रकार की बात हम कर रहे हैं या रूप की बात कर रहे हैं, तो सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन एवं सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी रहित मूल्यांकन, ये दो तरह के मूल्यांकन हमें देखने को मिलते हैं। चूंकि हमारा विषय ही सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी से है, तो हम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन की ही बात करेंगे। अब इस प्रकार के मूल्यांकन में कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन, मल्टीमीडिया कार्यक्रम निर्माण, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, कॉन्सेप्ट मैप निर्माण आदि शामिल होते हैं। यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया जब सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरणों के माध्यम से संपादित की जाती है, तो इसे हम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मूल्यांकन प्रक्रिया से हमें लाभ क्या है, क्यों हम इस प्रक्रिया को अपनाएं? तो लाभ, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को शामिल कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया में निम्नलिखित सिद्धांतों में समावेशन में वृद्धि हो जाती है, यानी उसमें कुछ सिद्धांत और समाहित हो जाते हैं। जैसे उदारता, उदारता से यहाँ हमारा आशय है कि यहाँ किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं होती है, ना किसी स्थान की, ना किसी समय की। विद्यार्थी बिना किसी बाध्यता के किसी भी समय किसी भी स्थान पर एक ही साथ संरचनात्मक एवं योगात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन में भाग ले सकता है। दूसरी बात कि मूल्यांकन तो होता ही है, साथ ही अधिगम प्रक्रिया के एक उपकरण के रूप में भी कार्य करने लगता है। तो मूल्यांकन कार्य में शामिल रहते हुए भी विद्यार्थियों के पास सीखने के लिए पर्याप्त अवसर हो जाते हैं, जिससे उनके अधिगम के स्तर में वृद्धि होता है। तीसरी बात, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों हो जाती है। अधिकांश जो ई पोर्टफोलियो प्रणाली बनी है, या विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पीयर असेसमेंट सिस्टम या प्रणाली जो बनी है, वो मूल्यांकन को प्रतिक्रिया एवं उत्पाद दोनों प्रणाली के रूप में देखते हैं। एक और सिद्धांत या एक और लाभ हमें ये होता है कि हमारे पास विविध प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों की उपलब्धता हो जाती है। जैसे ही हम सूचना एवं संप्रेषण के उपकरणों को मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करते हैं, वैसे ही जो उपकरणों की उपलब्धता है वो अस्थायी तौर पर बढ़ जाती है, और इन उपकरणों में ज्ञान का मूल्यांकन करने वाले जो मानकीकृत परीक्षण हमारे पास हैं, उनसे लेकर कौशलों को मूल्यांकित करने के लिए जो ई पोर्टफोलियो या इलेक्ट्रॉनिक पीयर असेसमेंट जैसे उपकरण हुए, वो भी इसमें शामिल है। तो इतने सारे उपकरणों की उपलब्धता के कारण मूल्यांकन की प्रक्रिया की जो गुणवत्ता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। मूल्यांकन की प्रामाणिकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे उपकरण हमारे पास उपलब्ध है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के आधार पर समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन भी करते हैं। तो इससे विद्यार्थी वास्तविक जीवन की परिस्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा उसका हमें ज्ञान हो जाता है, और मूल्यांकन की प्रामाणिकता में वृद्धि हो जाती है।
मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थी का भी सक्रिय सहभाग होता है। अच्छा। क्योंकि जब हम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को इसमें शामिल करते हैं तो विद्यार्थी शिक्षक के साथ परिचर्चा करता है, अंतर क्रिया करता है और स्वयं मूल्यांकन के निकषों यानी कि कसौटियों का निर्धारण करता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक पीयर असेसमेंट माना गया है। जी। इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है। इसमें यह होता है कि मूल्यांकन के लिए निर्धारित समस्याएं, किन समस्याओं के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा, उन समस्याओं का विद्यार्थी द्वारा सक्रिय रूप से समाधान खोजा जाता है। जो ऑनलाइन सिमुलेशन गेम्स बने हुए हैं वो गेम्स सारे उन्हीं समस्याओं पर आधारित है और विद्यार्थी उन गेम्स के पड़ाव दर पड़ाव पार करती है, उसका समाधान खोजता है। जी। तो इस प्रकार से हम लाभ कह सकते हैं कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन में जब समेकन कर दिया जाता है तो क्या लाभ हमें मिलता है। जी, जी। अब इस समेकित मूल्यांकन के कुछ रूप हमारे सामने हमें दिखाई देते हैं जी। जो निरंतर प्रयोग में है। जी, जी। जिसको कि हम कह सकते हैं कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी समेकित मूल्यांकन के रूप है। कौन कौन से ऐसे रूप हैं आप इस पे? हाँ, इसके वैसे तो बहुत सारे रूप या अनेक रूप कहले कि प्रचलन में है, लेकिन जो कुछ प्रमुख रूप हैं उस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन, जिसको हम कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट के नाम से जानते हैं। इस रूप में क्या होता है कि विद्यार्थियों के अधिगम एवं निष्पादन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब पूरी तरीके से कंप्यूटर के प्रयोग पर यह निर्भर नहीं होता है, कंप्यूटर की सहायता ली जाती है, एक असिस्टेंट लिया जाता है जिससे इसको कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट की बात कही गई है। दूसरा रूप कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षण, कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग। पहले रूप में यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट में हमने देखा कि यहाँ सिर्फ कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है, लेकिन इस दूसरे रूप में मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित की जाती है। यह एक नया विकास कह लीजिए कि मूल्यांकन के क्षेत्र में यह एक नया विकास है, एक रिसेंट डेवलपमेंट है या एक इनोवेशन है, जिसमें कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर कंप्यूटर स्वतः क्या करता है कि प्रश्नों को कठिनाई स्तर के अनुरूप समायोजित कर देता है। जैसे अगर विद्यार्थी लगातार सही प्रतिक्रिया दिए जा रहा है, उसकी प्रतिक्रिया लगातार सही हो रही है, तो वह अधिक कठिनाई स्तर के प्रश्नों को विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करता है। और इसके विपरीत यदि विद्यार्थी की प्रतिक्रिया निरंतर गलत हो रही है तो वो आसान कम कठिनाई स्तर वाले रिलेटिवली लोअर या सरल प्रश्नों को सामने रखता है। तो इस प्रकार से वो प्रश्नों को समायोजित करता है, साथ ही इसमें त्वरित पृष्ठपोषण यानी आपकी प्रतिक्रिया सही है या गलत है वो तुरंत आपको पता चल जाता है। एक तीसरा प्रमुख रूप ई पोर्टफोलियो हमारे सामने आया जी। जिसे हम अधिगम अभिलेख यानी लर्निंग आउटकम के रिकॉर्ड के रूप में देखते हैं। ये एक ऐसा प्रकार है अधिगम अभिलेख का जो कि विद्यार्थी की उपलब्धियों के वास्तविक साक्ष्य को प्रस्तुत करता है जी। तो ये कुछ मुख्य प्रकार हैं कंप्यूटर सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन के ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमने बात की पीयर असेसमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक पीयर असेसमेंट्स, ऑनलाइन रूब्रिक, डिजिटल कॉन्सेप्ट मैपिंग आदि। तो ये सारे इसके विभिन्न रूप हैं जी। धन्यवाद गिरीश जी। श्रोताओं, आज हमने जाना कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के शैक्षिक मूल्यांकन में क्या उपयोग हैं। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के जो समेकित मूल्यांकन के रूप हैं वो कौन कौन से हैं और सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन वास्तव में क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद।